नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं क्लेमेटिस इरेक्टा के बारे में। क्लेमेटिस इरेक्टा जिसे हम लोग कॉमनली विर्जिन्स बोवर के नाम से जानते हैं। दोस्तों विर्जिन्स बोवर एक सर्व्स है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। यह सर्व्स होने के बावजूद यह खुद से खड़ा होने में सक्षम होता है, इसलिए इसे क्लेमेटिस इरेक्टा कहा जाता है। दोस्तों क्लेमेटिस इरेक्टा होम्योपैथी में एक बेहतरीन दवा है। स्क्रेफुलस, रूमेटिक, सिफिलिटिक एंड गनोरियल पेशेंट के लिए, जो सुजाक से पीड़ित रोगी हैं उसके लिए क्लेमेटिस इरेक्टा एक बहुत ही कारगर दवा है। क्लेमेटिस इरेक्टा हमारे स्किन पर, हमारे चर्म पर, हमारे ग्लैंड्स पर बहुत अच्छा काम करता है, और यह हमारे जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गेंस पर, मुख्य रूप से हमारे टेस्टिकल अंडकोष पर बहुत अच्छा काम करता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसे विस्तार से। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। इसका जो पहला लक्षण है दोस्तों वो है सुजाक पर। सुजाक की क्लेमेटिस इरेक्टा होम्योपैथी में एक बहुत ही उत्कृष्ट दवा है। या दोस्तों सुजाक जिसे हम लोग प्रमेह कहते हैं, गनोरिया कहते हैं, सुजाक के केसेस में आप देखते हैं कि मूत्र नली में दोस्तों जो शोथ हो जाता है और वह शोथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके कारण यूरेथ्रा का जो मूत्र नली का जो छेद होता है दोस्तों वह बंद हो जाता है, और सुजाक का जो स्राव होता है वह भी बंद हो जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऐसे रोगी में अगर आप क्लेमेटिस इरेक्टा का उन्हें सेवन कराते हैं तो दोस्तों उनका जो सुजाक का स्राव है वह भी चालू हो जाता है और छेद भी खुल जाता है, जिससे कि पेशाब की जो तकलीफ होती है वो कम जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लेमेटिस इरेक्टा के लगातार 3 से 4 माह तक लगातार सेवन कराने से उनका सुजाक भी, उनका गनोरिया भी ठीक हो जाता है। दोस्तों अगला लक्षण इसका हमारे यूरिनरी सिस्टम पर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मूत्र नली में जो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा देखने को मिलता है, यूरेथ्रा मूत्र नली में जो संकुचन हो जाता है सुजाक के कारण, वह दोस्तों बड़ा ही पीड़ादायी होता है, जिसके कारण उनका मूत्र वेग से नहीं होता है और वह मूत्र जो होता है दोस्तों बूंद बूंद में पेशाब आता है, और चूँकि उनका यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है इसलिए मूत्र त्याग के बाद भी उनका मूत्र टपका करता है। इस तरह का लक्षण दोस्तों क्लेमेटिस इरेक्टा के अंदर आता है, और क्लेमेटिस इरेक्टा के सेवन से यह लक्षण ठीक हो जाता है। सुजाक के कारण अगर इस तरह का जो स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा देखने को मिलता है दोस्तों, वहाँ पर मूत्र त्याग करने के बाद भी जलन होता है और मूत्र के प्रारंभ में भी अत्यधिक जलन होता है, इस तरह के लक्षण में भी क्लेमेटिस इरेक्टा बहुत अच्छा लाभ करता है। और यह दोस्तों गनोरिया के केसेस में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। यह जो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है उसमें जो पीड़ा होती है दोस्तों वह क्लेमेटिस इरेक्टा दूर कर देता है। अगला लक्षण है इसका दोस्तों मेल सिम्टम्स। मेल में आप देखेंगे कि स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, जो अंडकोष में जो दोस्तों अंडकोष की थैली में जो सूजन आ जाता है वह सिर्फ दाएं तरफ अगर रहे तो उसमें क्लेमेटिस इरेक्टा बहुत अच्छा काम करता है। स्वेलिंग इन द स्क्रोटम और चाइटिस जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे राइट हाफ ओनली, दोस्तों सिर्फ दाएं तरफ का हिस्सा जो सूज जाता है अंडकोष का, वहां पर क्लेमेटिस इरेक्टा बहुत अच्छा काम करता है। अंडकोष का सूजन में आप देखेंगे कि अंडकोष पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है, जैसे कैल्केरिया फ्लोर के लक्षण में देखने को मिलता है, और उसमें दोस्तों तीव्र दर्द रहता है। यह दर्द पल्सटीला नामक दवाई से भी, पल्सटीला का अगर आप हाई पोटेंशियल लेंगे तो दोस्तों उससे दर्द में आराम हो जाएगा, लेकिन अगर यह सूजन, अंडकोष का सूजन अगर सुजाक के कारण, गनोरिया के कारण हुआ है तो वह उसे क्लेमेटिस इरेक्टा ही ठीक करेगा। दोस्तों यहाँ पर अगला सिम्टम्स जो है वो है स्किन सिम्टम्स। इस स्किन में आप देखेंगे कि लाल, जलन पैदा करने वाला जो नोचनी होता है, जो कि ठंडे पानी लगने से और ज़्यादा तीव्र हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों ऐसे में यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। यह एक्जिमा दोस्तों अमावस्या में आपका देखेंगे कि एक्जिमा बढ़ जाएगा, उससे रिसाव शुरू हो जाएगा और नोचनी भी तेज हो जाएगी, लेकिन पूर्णिमा के दिनों में वह खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इस तरह का अगर एक्जिमा हो जो पूर्णिमा और अमावस्या का
का पालन करता हो दोस्तों, तो उसमें क्लेमेटिस इरेक्टा बहुत अच्छा काम करता है, या इंजाइनल ग्लैंड में जो सूजन आ जाती है, जो गिल्टी आ जाते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, या महिलाओं के स्तन में जो गिल्टियां बन जाती हैं, जो गांठ हो जाते हैं उसमें भी एक अच्छी दवा है यह। और दोस्तों यह वेरिकोज अल्सर की भी एक बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों मेल सिम्टम्स में आप देखेंगे कि जो अंडकोश का दर्द होता है उसके साथ स्पर्मेटिक कोड में भी दर्द चला जाता है, और क्लेमेटिस इरेक्टा स्पर्मेटिक कोड के पेन को बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है, और यह दर्द रात में बढ़ जाया करता है। दोस्तों अब इसका जान लेते हैं हम एंटीडोट। एंटीडोट दोस्तों इसका जो होगा वो ब्रोनिया है और कैम्फर है। और दोस्तों यह चिली पेशेंट के लिए है, सर्द प्रकृति के लोगों के लिए है, और इसका डोज जानना बहुत अहम है। दोस्तों डॉक्टर ई बी नेस साहब कहते हैं कि गनोरिया के केसेस में जहां पर स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा देखने को मिलता है, जो मूत्र नली में संकुचन हो जाता है जिसके कारण जो कष्ट होता है रोगी को, वहां पर दोस्तों क्लेमेटिस इरेक्टा का हाई पोटेंसी आप 1 ml लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप इसे क्लेमेटिस इरेक्टा 1 ml 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम ले सकते हैं, 1-2 दिन तक आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको उस तरह का संकुचन से आपको राहत मिल सके। दोस्तों क्लेमेटिस इरेक्टा 30 पोटेंसी को आप 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम 5 बूंद दोपहर में आप ले सकते हैं, मतलब कि 3 बार क्लेमेटिस इरेक्टा को 5 बूंद 3 बार ले सकते हैं। क्लेमेटिस इरेक्टा 200 को आप 5 बूंद 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों जब भी आप क्लेमेटिस इरेक्टा का हाई पोटेंशियल लें तो मेरा यह कहना है कि आप किसी डॉक्टर की देखरेख में लेंगे तो आपको अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।